शिवपुरी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने पौरी बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण आंगनवाड़ी भवन समेत 44 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाले विकास कार्यो का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव, करेरा विधायक रमेश खटिक, पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी, पूर्व मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजू बाथम, कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी समेत भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रजातंत्र की रणभूमि में हम उतरे हैं। हमारा रिकॉर्ड, हमारा कार्यकाल, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण योगदान, स्वतः पिछले 5 वर्षों में हो जो हमारी कोशिश रही जनता के हर सुख दुख में जोड़कर उनको मजबूती प्रदान करना। चाहे कोरोना काल आया हो, बाढ़ आया हो, शिवपुरी के अंदर अब भी जो ओलावृष्टि हुई, सदैव एक जुटाव, एक लगाव दिल की अंतरात्मा से इस क्षेत्र के साथ उनका रहा। शिवपुरी गुना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का उन्होंने कहा कि जनता के समक्ष नतमस्तक होकर जनता के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इस विश्वास के साथ से पुपरी गुना अशोकनगर तीनों का परचम विकास के नाम पर मध्य प्रदेश में लहराएगा। लोकसभा में बीजेपी की कितनी सीटें आएगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत ही आराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। कार्यक्रम के अंत में भाजपा जिलाध्यक्ष राजू बाथम ने सभी पधारे हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। नीचे कर लो, माई नीचे, थोड़ा माई नीचे, बंद कर माई नीचे। की रणभूमि में हम उतरे हैं, हमारा कोई कह लो रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण योगदान, स्वतः पिछले 5 वर्षों में जो हमारी कोशिश रही जनता की हर सुख और दुख जुड़ उनको मजबूती प्रदान करना, चाहे कोरोना काल आया हो, आपने कई लोगों के साथ में उस समय भी चर्चा हुई, जब बाढ़ आया था शिवपुरी के अंदर, शहर के अंदर, अभी जब ओलावृष्टि हुई, सदैव एक जुड़ाव और एक लगाव दिल की अंतरात्मा सदैव इस क्षेत्र के साथ। आज जनता के समक्ष नतमस्तक होकर उनके आशीर्वाद की आकांक्षी, आपके आशीर्वाद की आकांक्षी, और हमें पूर्ण आशीर्वाद है, पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा। इसी विचारधारा के साथ विकास और प्रगति और तीनों पंचम मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर उत्सुकता से हम लोग आपको तो मालूम है भाई, अब कितने साल हो गए मेरे साथ, मैं ज्योतिष जी मैं इतना कहूँगा, बहुत आराम से प्रधानमंत्री की सरकार इसके बारे में आने जा रही है। जो जनता के दिल उन्होंने अपना अमीठ छाप पिछले 10 वर्षों में छोड़ा है, बौछार विकास और प्रगति की योजनाओं की, गरीबों के धन योजनाओं जिसका लाभ एक व्यक्ति को पीछे पहुंचा है, उसका उद्बोधन में भी संदर्भ में लिखा, उसके आधार पर भारत का नक्शा बदला।